गुड मॉर्निंग पिला माने मु तुम मानको ई सुविद्या कार्यक्रम को स्वागत जनाउछे। आज आम भारत और युक्तराष्ट्र अमेरिका मध्य संपर्क विषय पढ़िबा। गत क्लास रे आमे भारत वैदेशिक नीति विषय तुम्हें जान लो। आज भारत सहित युक्तराष्ट्र अमेरिका जहाँकि पृथ्वीर सर्वशक्तिशाली राष्ट्र बोली जहाँ को विवेचना कराए ता सहित किभली संपर्क थिला ता विषय आज आम पढ़िबा। द्वितीय विश्वयुद्ध पर युक्तराष्ट्र अमेरिका और सोवियत रूसिया विश्वर दुईट महाशक्ति रूपे मुंड टेकी ब्रिटेन और फ्रांस परी शक्तिशाली राष्ट्रगुड़िक क्रमशः दुर्बल शक्ति परिणत हो गले। समग्र विश्वर कूटनीति युक्तराष्ट्र अमेरिका और सोवियत रूसिया द्वारा कौन है परिचालित है। 1949 मसीह सुधा उभय महाशक्ति विपुल आणविक अस्त्रशस्त्र अधिकारी होते। आम देश भारत एक गोष्ठी निरपेक्ष राष्ट्र होता हेतु कौन सी निर्दिष्ट गोष्ठी को समर्थन नक उभय पराक्रमी गोष्ठी सहित शांतिपूर्ण संपर्क स्थापन करने उद्यम आरंभ कर। भारत और युक्तराष्ट्र अमेरिका विश्वर दुई प्रमुख गणतांत्रिक राष्ट्र। यही दुई गणतांत्रिक राष्ट्र मध्य निविड़ आत्मीयता गढ़ी उठा नहीं अनेक आशावादी थे। आरंभ में युक्तराष्ट्र अमेरिका भारत सहित संपर्क स्थापन प्राय गुरुत्व दौन थिला। तेबे 1962 मसीह जेतेबले चीन भारत उपरे आक्रमण कला केबे भारत आक्रमण कला 1962 चीन भारत आक्रमण करथिला। तेनु ए सेतेबले उठे भारत सहित चीन रो युद्ध मध्य होइथिला। सेतिक बेले कौन कला आमको अमेरिका कौन कला देखिबा आमे ना जेतेबले 1962 चीन आम भारत को कौन कला आक्रमण कला सेतेबले कौन हैला ना भारत प्रति समवेदना ज्ञापन करथिला एई युक्तराष्ट्र अमेरिका। किंतु 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध हैला चीन को चीन आक्रमण कला अमेरिका आम को समर्थन जनाइथिला। किंतु सही दुई तीन वर्ष पर 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध हैला। पिला माने आकु मन दे सुनिबो कारण तुमे ए सबु विषय आगरु केबे जानिनहो तेणु तुम्हें ये सब विषय निहाती जानवा दरकार। भारत पाकिस्तान युद्ध जितेबाला 1965 मसीह से कौन कला ना युक्तराष्ट्र अमेरिका पाकिस्तान को समर्थन करुक्तराष्ट्र अमेरिकार राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन है से युक्तराष्ट्र अमेरिकार राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन। रिचर्ड निक्सन तेणु से कौन कले ना पाकिस्तान को खोला खोली समर्थन जनाइथिले एवं भारत को भयभीत करने कौन कले ना बंगोपसागर को कौन कले ना सप्तम आला से केतटी कौन कले ना बहुत युद्ध अस्त्रशस्त्र पठाइथिले एवं चीन को भारत विरोध में उत्साहित करथिले। किए युक्तराष्ट्र अमेरिकार राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के 1965 मसीह। तापर आम आसवा काश्मीर प्रसंग। यही काश्मीर प्रसंग उपरे कौन होता ना पाकिस्तान और भारत उभय देश शत्रुता आचरण कर पाकिस्तान भारतर यही अंग को बा काश्मीर को नवापी चेष्टित थिला जहाँफल भारत सहित पाकिस्तान संपर्क खराब होगा आरंभ होता। तेणु काश्मीर प्रसंग मध्य पाकिस्तान को युक्तराष्ट्र अमेरिकार अस्त्रशस्त्र साहय कर 1971 और 1991 मध्य है कौन भारत सोवियत रूसिया मध्य बंधुत्व प्रसंग भारत सहित युक्तराष्ट्र अमेरिकार संपर्क तिक्तता आनीला बुझल जितेबाला भारत युक्तराष्ट्र अमेरिका पाकिस्तान को समर्थन कला से सोवियत रूसिया भारत को समर्थन करने स्वाभाविक कथा एवं भारत मध्य बंधुतार हाथ सोवियत रूसिया सहित बढ़ाई
एवं से 1971 एवं 1991 कौन होता ना एमाने दुई राष्ट्र अर्थात भारत एवं सोवियत रूस से बंधुत्व आरंभ करते जहाँकि युक्तराष्ट्र आमेरिकार चक्षुशूल होता है। तेणु भारत युक्तराष्ट्र आमेरिकार संपर्क कौन होता खराब प्रभाव पकईला किंतु यही संपर्क उन्नति आने पर कौन करते ना आम भारत प्रधानमंत्री प्रयास करें 1997 मसीह से स्पष्ट भाव कही काश्मीर प्रसंग नहीं भारत और पाकिस्तान मध्य मध्यस्थता करार अभिप्राय आमेरिकार नहीं से कही एक किए ना से युक्तराष्ट्र आमेरिकार राष्ट्रपति थिले बिल क्लिंटन थिले तापरे युक्तराष्ट्र आमेरिकार राष्ट्रपति से कही भारत एवं पाकिस्तान मध्य मध्यस्थता करिबा युक्तराष्ट्र आमेरिकार माने इच्छा नुह। तेणु से जहा हो से सीधा सड़क भाव में कही जे जो समाधान काश्मीर प्रसंगर समाधान केवल सीधा सड़क आलोचना मध्य समाधान हो पारे अर्थनीति क्षेत्र में भारत और युक्तराष्ट्र आमेरिका मध्य प्रगति परिलक्षित होता भारत उदारीकरण नीति को युक्तराष्ट्र आमेरिका समर्थन जनता 1995 मसीहा जानुरी मसने युक्तराष्ट्र आमेरिकार तत्कालीन वाणिज्य सचिव रोनाल्ड ब्राउन है वाणिज्य सचिव रोनाल्ड ब्राउन से थिले युक्तराष्ट्र आमेरिकार वाणिज्य सचिव रोनाल्ड ब्राउन तांको कौन चेष्टा करथिले से भारत एवं अमेरिकार संपर्क को किभली सुदृढ़ करा जाई पारिबो से एथिपई चेष्टित थिले। ए रोनाल्ड ब्राउन कौन कले ना तांको अध्यक्षता रे एक अमेरिकीय दल भारत आसिले से समय रे शक्ति शिल्प परिवहन और स्वास्थ्य क्षेत्र में अनेक द्विपाक्षिक चुक्ति स्वाक्षरित होता भारतीय शिल्प और वाणिज्य क्षेत्र में युक्तराष्ट्र आमेरिका अर्थ विनियोग करिथिला परिवेश संक्रांत समस्यार समाधान लगी उभय देश चुक्तिबद्ध होते बेआईन निशाद्रव्य कारबार को दृढ़ हस्तरे दमन करने उभय देश परस्पर सहयोग कामना करथिले आंतर्जातिक स्तर रे संत्रासवादर विलोप उभय देश अंगीकारबद्ध होते विंश शताब्दी शेष दशक एने एक चुक्ति स्वाक्षरित होता शिक्षा और सांस्कृतिक विनिमय क्षेत्र में उभय देश पारस्परिक सहयोग कामना करथिले। तापरे द्वितीय विश्वयुद्धर समाप्ति परे शीतल युद्धर आरंभ होता साम्राज्यवाद को प्रतिहत करने सोवियत रूसिया प्रभाव को ह्रास करने युक्तराष्ट्र आमेरिका सुचिंतित नीति प्रणयन करथिला किंतु भारत गोष्ठी निरपेक्षतार विश्वास करुथबारु एही नीति को ना पसंद करथिला युक्तराष्ट्र आमेरिकार नेतृत्व में नाटो आउ सियाटो हला भली अनेक सामरिक चुक्ति प्रणयन करा जायथिला किंतु भारत एथिरे शामिल होइनथिला। तापरे कौन है ला? ना 1949-1953 कोरिया युद्ध चालुथिबा समय रे 1949-1953 पर्यंत कौन होइथिला ना कोरिया युद्ध ए कोरिया युद्ध चालुथिबा समय रे कौन है ना भारत और आमेरिका मध्य तिक्तटा सृष्टि होइथिला द्वितीय विश्वयुद्ध सरिबा परे कोरिया दुई भागरे विखंडित हेला भारत एही रूस साधारणतंत्र सोवियत संघर साधारणतंत्र कौन कराला यही जो आमेरिकार भारत सहित जो संपर्क से कौन हेला ना तिक्तता सृष्टि हबारु कौन हला ना भारत अमेरिका सहित संपर्क को सुदृढ़ करने चेष्टा करथिला। तेणु कौन हला
ना आमेरिका भारत को पसंद करने आरंभ कर भारत सहित सुसंपर्क स्थापन करने चेष्टा जारी रखी पाने आज आज विषय थी आमर भारत और युक्तराष्ट्र आमेरिका एमें आज पढ़ले युक्तराष्ट्र आमेरिका सहित भारत संपर्क विषय आसंता अध्याय आम पढ़ा भारत सहित सोवियत रूस संपर्क विषय आजपाई ये धन्यवाद।